जाने के लिए बुर्ज खलीफा। यस, ये रहा दुबई मॉल और हम जा रहे हैं चल के बुर्ज खलीफा की तरफ। आई वॉज सो एक्साइटेड, सो नर्वस, मतलब मैं शायद ब्लैंक हो गई थी थोड़ी देर के लिए। बुर्ज का टिकट प्यारे से फ्लावर्स जो शोएब ने दिए, और ये था उनका स्काई लाउंज जो हम ऊपर जाने से पहले रुके थे। ये रहा हमारा वीआईपी टैग एंड लेट्स गो। ओके, दिस इज द 154th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। इतना अमेजिंग, इतना प्यारा एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती आपको वर्ड्स में। सच में ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ आके कैसा लगता है। बहुत 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 अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर पाए। यस, और इतनी खूबसूरत जगह आए तो फोटोज तो बनती है। तो शोएब जनाब जो है मेरी सोलो फोटोज ले रहे थे एंड सच में यार मतलब बहुत 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 ही स्पेशल फील हो रहा था। कुछ कहने के लिए नहीं है, इट्स जेन्युइनली अ ड्रीम बर्थडे सेलिब्रेशन जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था। सो आ गए हैं हम, गेस वेयर, 154th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। यस, वी आर ऑन द 154th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ओ माय गॉड, जब लिफ्ट में घुस रहे थे ना तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसा फील होगा इतने ऊपर आके, पर बहुत मजा आया, बहुत 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 मजा आया। और यहाँ का फील बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा। थैंक यू। और ये देखो यहाँ सब लोग बिजी हैं फोटोग्राफी करने के लिए, और बनता भी है। मतलब मैंने वहाँ पे शूट किया और फिर हम चल के दूसरी साइड पे आए, हम वहाँ इतने खुश थे, दिस व्यू इज ओ, ये तो मतलब स्पीचलेस है सच में। बहुत 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 ही खूबसूरत, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। सो दिस इज़ द अदर साइड जहाँ पे आपको ये पूरा फाउंटेन दिख रहा है, एंड ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से हमारा होटल भी दिख रहा है जहाँ हम रह रहे थे। ये मैंने ज़ूम इन किया और ये रहा हमारा रमाडा डाउनटाउन। यस, चलिए Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bobby, happy birthday to you. ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला जाता है ये कोई आपसे सीखे, किसी की मुस्कुराहट को अपनी शिद्दत कैसे बनाया जाता है ये कोई आपसे सीखे, जिंदगी की किताब को प्यार की स्याही से लिखकर उसे जन्नत कैसे बनाया जाता है ये कोई आपसे सीखे। थैंक यू शोएब, थैंक यू सो मच। मतलब मैंने एक ड्रीम किया था कि शोएब मेरा केक बुर्ज खलीफा पे कट करेंगे, और आपने इतनी शिद्दत से उसे हकीकत का रूप दे दिया। थैंक यू सो मच। चीज़ केक बहुत अमेजिंग है, बहुत। ये मैं बनाना केक खा रही हूँ और सबक उसे याद कर रही हूँ। और ये वहाँ के लाउंज में हाई टी का सेटअप लगा हुआ है जहाँ पे थोड़े थोड़े से स्नैक्स हैं एंड थोड़ी पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं एंड देन टी कॉफ़ी है। तो आप यहाँ से जो चाहे वो ले सकते हैं और खा सकते हैं एंड बुर्ज का नज़ारा इन्जॉय कर सकते हैं। Yoohoo, it's my birthday. Enjoying a cup of tea and enjoying the Burj Khalifa view. Oh my god, I'm on the top of the world. Literally, huh? मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ रही होगी या नहीं।
But this is breathtaking. मतलब honestly इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सब कुछ इतना प्रिटी, इतना ड्रीमी, यू नो इट वॉज ऑल अबाउट लव ऑब्वियसली. तो इसीलिए शोएब ने बोला कि चलो कोई अच्छी अच्छी पिक्स खींचते हैं. आपको तो पता ही है हमारे जनाब कितने फिल्मी हैं और उनको अच्छी पिक्चर्स खींचना कितना पसंद है. वैसे भी जब लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होना तो उन्हें पिक्चर्स खींच के उस मोमेंट को कैप्चर कर लेना चाहिए, हमेशा एक याद बना के अपने दिल के पास रखने के लिए. तो वही कर रहे थे. Yes, काफ़ी समय टेरेस पर बिताने के बाद फिर हम वापस लाउंज में आ गए और फिर मैंने किया वीडियो कॉल, पहले सबा अम्मी को फिर मेरी मम्मी को, उन्हें दिखाने के लिए कि यहाँ का फील कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है. नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नॉर्मल बिल्डिंग में ऐसा लग रहा है. ओके सो खूब सारा मजा कर लिया, खूब अच्छे से घूम लिया. आई थिंक दैट टेरेस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, वो हमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. खूब फोटोज खींच ली, खूब वीडियोस बना लिए, अच्छे से चाय पी ली, थोड़ा सा कुछ खा भी लिया और अब चलते हैं. अब चलते चलिए.